हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस बढ़िए आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और टॉपिक रहेगा चालकोलिथिक एज, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। सो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे वो उसे देख ले, ताकि आज के एमसीक्यूज जो है वो आप सॉल्व कर सकें। सो हम जो एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं वो अंडर माय मेक एमसीक्यू चैलेंज रहने वाला है। सो मेरा ये इनिशिएटिव है, खुद का ये माय ओन इनिशिएटिव है मेक एमसीक्यू चैलेंज। इसमें आपको क्या करना है, तो कोई भी जो लेक्चर मैं लूंगा उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू बनाना है और उसे पोस्ट करना है अगला लेक्चर आने के पहले कमेंट सेक्शन में। उसके साथ साथ आपका नाम उसमें पोस्ट करना है। अगला जब लेक्चर आएगा तो उसके दौरान मैं एक एमसीक्यू पे वीडियोस बनाते रहूंगा, जिसमें आपको आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन मैं पब्लिश करूंगा विथ योर नेम। ये आपके तरफ से एक हेल्प होगी सभी एस्पिरेंट्स को, और आपकी भी एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी आप सभी की। और उसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यू बना पा रहे हो तो आप एमसीक्यू सॉल्व भी कर पाओगे, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। दिस इज माई फेसबुक पेज, दिस इज माई टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज माई यूट्यूब चैनल। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो देखते हैं इस बार जो चालकोलिथिक एज है, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू चैलेंज किन लोगों ने कंप्लीट किया। उनके नाम है सीमांशु निगम जी, स्नेहल पिपरेवार जी, साक्षा सिंह जी और पुनर्नवा द्विवेदी जी। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें एमसीक्यूज पोस्ट किए, और आपके एमसीक्यूज अब हम डिस्कस करने वाले। सो मैं आपको सबको ये बता दूं कि जितने भी लोग अभी ये लेक्चर देख रहे हैं, तो ये आज के लेक्चर के जो आंसर्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए होंगे, तो वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा ये वीडियो लेक्चर होने के बाद। सो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीमांशु निगम जी ने हमें भेजा है, और क्वेश्चन है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग चालकोलिथिक एज एंड आंसर द क्वेश्चन। कॉटन वॉज प्रोड्यूस्ड इन ब्लैक कॉटन सॉइल, पीपल ऑफ चालकोलिथिक एज सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फार्मिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, सेकेंड ऑप्शन इज बी इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन सीमांशु जी आपने भेजा हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमें सीमांशु जी ने भेजा है, और क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग चालकोलिथिक पीरियड इज करेक्ट। ए स्टोन कॉपर फेज, बी अराउंड 2000 बीसी टू 700 बीसी, ओनली ए ओनली बी बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन सीमांशु जी। अगला क्वेश्चन भी हमें सीमांशु जी ने भेजा है, और क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीपल ऑफ चालकोलिथिक एज इज करेक्ट। फर्स्ट दे यूज माइक्रोलिथिक टूल्स ऑफ स्टोन एंड कॉपर, सेकेंड दे न्यू आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग, थर्ड दे यूज्ड पेंटेड पॉटरी फॉर फर्स्ट टाइम, ए वन ओनली, बी टू एंड थ्री, सी वन एंड थ्री या डी वन टू एंड थ्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन सीमांशु जी। सो सीमांशु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें एमसीक्यूज पोस्ट किए इतने अच्छे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें साक्षा सिंह जी ने भेजा है, और साक्षा जी ने जो क्वेश्चन भेजा है वो है विच ऑफ दी अमॉन्ग बिलोंग्स टू फार्मिंग कम्युनिटी ऑफ चालकोलिथिक कल्चर, ए बनस, टू कायत, थ्री खोईसान या फोर मालवा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज वन एंड थ्री, सेकेंड ऑप्शन इज वन टू फोर, थर्ड ऑप्शन इज वन थ्री फोर एंड फोर्थ ऑप्शन इज वन फोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन साक्षा जी ने भेजा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें साक्षा जी ने भेजा है, और क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, पीपल ऑफ नवदातोली ग्रीव बेर एंड लिंसेड, बी रिमेन्स ऑफ कैमल्स वर फाउंड विथ ट्रेसेस ऑफ ईटिंग पोर्क, ओनली वन ओनली टू बोथ वन एंड टू या नन। बहुत अच्छा क्वेश्चन साक्षा जी ने भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमें साक्षा जी ने भेजा है वो क्वेश्चन है विच मेटल्स वर यूज्ड टू मेक नाइव्स, एक्सेस, फिश फिशिंग हुक्स एंड चिसल्स, कॉपर एंड ब्रॉन्ज, सेकंड ऑप्शन इज ब्रॉन्ज एंड अलॉय, थर्ड ऑप्शन इज आयरन एंड कॉपर एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉपर एंड अलॉय। बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन साक्षा जी ने भेजा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन हमें साक्षा जी ने जो भेजा है वो है वेयर डिड ओवंस एंड सर्क्यूलर पिट houses were found, नवस, इनामगांव, कायत या नवदातोली। बहुत अच्छा क्वेश्चन साक्षा जी ने भेजा हुआ। उसके बाद एक और क्वेश्चन
8 क्वेश्चन जो है वो भी साक्षा जी ने भेजा है, और क्वेश्चन है व्हाट वाज द यूज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इन चालकोलिथिक एज। ए वन फॉर फूड बाय किलिंग देम, टू फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, थ्री फॉर एग्रीकल्चर यूज, एंड फोर्थ फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। बहुत अच्छा क्वेश्चन साक्षा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाला है, वो भी हमें साक्षा जी ने भेजा है, 9th क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आप मैचेस देख लीजिए। फर्स्ट मैच इज आलमगीरपुर गंगा रीजन, सेकेंड इज बेटवा चंबल रीजन, थर्ड इज लोथल नर्मदा रीजन, एंड फोर्थ इज हड़प्पा इंडस रीजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन साक्षा जी, और यहाँ पे ऑप्शन है ए बी डी, सेकेंड इज बी सी डी, एंड थर्ड ऑप्शन इज ए डी, एंड फोर्थ इज डी ओनली। सो साक्षा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे एमसीक्यूज पोस्ट किए। उसके बाद 10th क्वेश्चन जो कि हमें स्नेहल जी ने भेजा है, स्नेहल पिपरेवार जी ने, और क्वेश्चन है चालकोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज ए आयरन एज, बी कॉपर एज, सी स्टोन एज, या डी मेसोलिथिक एज। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी ने भेजा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें स्नेहल जी ने भेजा है, और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द पीपल ऑफ चालकोलिथिक कल्चर वर्शिप्ड ऑफ मदर गॉडेस, बुल, लिंगास, बोथ ए एंड बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी ने भेजा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें स्नेहल जी ने भेजा है, और क्वेश्चन है इन विच स्टेट नवदातुली लोकेटेड, ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, या डी छत्तीसगढ़। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी ने भेजा हुआ। अगला 13th क्वेश्चन है, वो भी हमें स्नेहल जी ने भेजा है, और क्वेश्चन है फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स इन द वर्ल्ड वॉज मेड इन इंडिया 1867-68 बाय फ्लिंडर्स पेट्री, एहूड वीस, आर डी बैनर्जी, आर्किबोल्ड कार्ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी ने भेजा हुआ। तो स्नेहल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन पोस्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है जो हमें पुनर्नवा द्विवेदी जी ने भेजा है, और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इज अमंग द चालकोलिथिक कल्चर्स, ए आहार कल्चर, बी सावलडा कल्चर, सी जोरवे कल्चर, या डी ऑल ऑफ द अबाव। बहुत अच्छा क्वेश्चन पुनर्नवा जी ने भेजा। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, ये भी हमें पुनर्नवा द्विवेदी जी ने भेजा है, और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द चालकोलिथिक कल्चर नेवर फ्लोरिश्ड, ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, या डी गुजरात। बहुत अच्छा क्वेश्चन पुनर्नवा जी ने भेजा हुआ। सो पुनर्नवा द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन पोस्ट किए। सो जिन जिन्होंने अभी मेरे साथ ये डिस्कस किए हैं क्वेश्चन, वो लोग ये क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो चेक कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, और आप देखेंगे आपके कितने करेक्ट निकले। अगर लगता है आपको बहुत अच्छे अच्छे आपके स्कोर आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर भी पोस्ट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितने सॉल्व कर पाए हैं। सो इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में, जो कि आ जाएगा जो कि हड़प्पा का थर्ड पार्ट होगा। सो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। फॉलो और लाइक कर सकते हैं मेरे पेजेस को फेसबुक पे, श्रेयस बढ़िया, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन, ताकि आपको और भी ज़्यादा अपडेट्स मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे बारे में और जानकारी चाहते हैं तो श्रेयस बढ़िया द पीस लवर ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, श्रेयस बढ़िया @gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो इसी तरह हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।